हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज पल्सर N125 के बारे में। इंडियन मार्केट पे बजाज जब भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करता है उसका टोटल तीन वेरिएंट आता है। एक हो जाता है हायर वेरिएंट, मिडिल वेरिएंट एंड एक लोअर वेरिएंट, जैसे कि NS200, NS160, NS125। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आप लोग नोटिस कर सकते हो। N250 लॉन्च किया गया है, उसके बाद आ गया है N160, देन अभी लॉन्च किया जा रहा है N125 को। N125 इंडियन मार्केट पे 2023 पर लॉन्च होगा ताकि 125 सीसी के अंदर जितनी भी बाइक्स है इसका मार्केट भी पकड़ बने रहे। एंड N160 एक सक्सेसफुल मॉडल रह चुका है क्योंकि N160 के सेल काफी इंक्रीज हो रहा है दिन प्रतिदिन। एंड यहाँ पर जो फीचर्स है वो शायद ही कोई दूसरा कंपनी आपको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर सकता है। उसी बात को नजर रखते हुए N125 इंडियन मार्केट पे रिसेंटली लॉन्च होने जा रहे हैं। एंड इसके आज बात करेंगे क्या प्राइस होने वाला है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू सुपर राइडर एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट पे N125 कब तक लॉन्च होगा। देखो 2023 में जब भी कोई इवेंट होगा या फिर फेस्टिवल होगा उसी वक्त आपको N125 लॉन्च दिख जाएगा। एंड प्राइस की अगर बात करूं तो आपको यहाँ पर 98,100 प्राइस जो है अप्रोक्स में बता रहा हूँ 98,000 ही होगा। एंड यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी तगड़ा आपको मिलने वाला है, यानी कि N160 की सेम लुक्स के साथ आपको बाइक मिलने वाला है, बट टायर साइज थोड़ा सा स्मॉल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि रियर पर 126 का टायर। N160 पर जो टायर आता है वो तो नहीं मिलेगा, बट NS160 पर जो टायर आपको प्रोवाइड किया जाता था सेम टायर आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड N125 की अगर बात किया जाए तो ड्यूल चैनल ABS तो नहीं आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर सिंगल डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रंट पर भी आपको ABS की कोई भी ऑप्शन नहीं हैगा, क्योंकि इस बाइक की जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग बाइक की जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक्स बनाने की पूरा कोशिश किया जा रहा है। इस बाइक के अंदर आपको जो USB चार्जिंग स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर जो मीटर कंसोल है सेम टू सेम आपको N160 की तरह ही देखने को मिल सकता है। इनफ्रंट डिस्प्ले जहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी नज़र आ जाएगा। एंड फ्रंट पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद दोनों DRL, यानी कि N160 की जो लुक्स है सेम लुक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बट इसकी जो इंजन है एंड टायर साइज डिस्प्ले में आपको थोड़ा सा कमियां नज़र आ जाएगा। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। आपको यहाँ पर सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व की इंजन मिलेगा जो काम करेगा एयर कूल्ड पे एंड 125 सीसी इंजन के साथ आपको 12 HP पावर विद 11.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक एंड माइलेज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा माइलेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 55। एंड मैं आपको कहना चाहूँगा इंडियन मार्केट पे जब N125 लॉन्च किया जाएगा तो दूसरे कंपनी डाउन होने वाला है 125 सीसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना फीचर्स ऑफर किया जाएगा बजाज की ओर से, शायद लोग कोई दूसरे कंपनी की ओर झुकेगा। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन अच्छा मिल रहा है, टायर साइज, आपको USB चार्जिंग स्लॉट, इंफिनिटी डिस्प्ले, गियर शिफ्ट इंडिकेटर वो भी 125 सीसी के अंदर एंड 55 तक माइलेज भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारे फीचर्स सारे ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ 98,000 रुपीस में आपको पे किया जाएगा। सो आप एक बार सोच के देखिए NS125 जब लॉन्च किया जाएगा तो कितना अच्छा साबित होने वाला है जो लोग डेली राइड करते हैं बाइक्स को उनके लिए। सो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।